हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रोथ एंड डीके इन आरसी सर्किट। ये टॉपिक भी सेम होगा जैसा कि हमने अपने एलआर सर्किट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या कहा, हमने कहा व्हेन की इज़ प्रेस्ड करंट आई स्टार्ट्स टू फ्लो। जब आप इस की को ऑन मतलब कनेक्ट कर दोगे तो इसमें सर्किट में से आपका करंट आई फ्लो होना स्टार्ट होगा। इस करंट आई की वजह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा क्यू अपॉन सी। रेजिस्टर आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा आर आई, दैट मीन्स आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आर आई, इक्वेशन नंबर वन। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं कि जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो जितना भी पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा कैपेसिटर सी के अक्रॉस आएगा क्यू नॉट अपॉन सी, और रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो वो होगा जीरो, और यहाँ आप लिख सकते हो दैट इज ई। मतलब इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, दोनों को आपने इक्वेट किया, आपकी ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में आई को क्या लिख सकते हो, डी के ओपॉन डी टी, देन आप इसके ओपॉन सी को अपोजिट साइड ले गए, ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में क्यू वाली टर्म्स को एक साइड में लिख लो, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड लिख लो। अब हमने कहा नाउ इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन आपको आता है, ये आ जाएगा आपका लॉगरिथम की फॉर्म में। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आपने यूज़ की बाउंड्री कंडीशन कि जब टाइम जीरो था तो चार्ज भी जीरो होगा। क्यू को जीरो पुट किया यहाँ, टी को जीरो पुट किया, आपको के की वैल्यू मिल गई। इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, ये इक्वेशन आई। लॉग ऑफ क्यू नॉट को अपोजिट साइड में लाए, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड द इक्वेशन विल बिकम इन दिस फॉर्मेट। वन को दूसरी साइड ले जाओ और यहाँ से क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ऑफ दिस मच आ गया। इसमें जब भी टी इक्वल टू सी आर होगा तो ये आपका बनेगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस वन, और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मिला क्यू इज इक्वल टू 0.632 ऑफ क्यू नॉट। मतलब टाइम कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू सी आर इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर विच द चार्ज बिकम 0.63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो हमने कहा सच दैट टाइम कॉन्स्टेंट सी आर इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाई कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू द 0.632 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड दिस इज अ ग्राफ फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर टू रेजिस्टर। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज द डीके ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो सेम मेथड से हमने किया, देखो इस बार आपने एक्सटर्नल कोई वोल्टेज नहीं दी तो इक्वेशन में यहाँ रहेगा जीरो। दोनों को सेपरेट किया, आई की जगह डी के ऑपॉन डी टी रखा, क्यू वाली टर्म्स को एक साइड में रखा, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड रखा, दोनों को इंटीग्रेट किया, ये इक्वेशन आई, बाउंड्री कंडीशन यूज़ की। इस बार क्योंकि आपका कैपेसिटर फुली चार्ज था तो जब टाइम जीरो तो क्यू वॉज इक्वल टू क्यू नॉट, की इन वैल्यूज़ को क्यू की जगह क्यू नॉट रखा, टी की जगह जीरो रखा तो के की वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, देन टेकिंग एंटी लॉगरिथम क्यू की वैल्यू आ गई। फिर से आप कहोगे टाइम कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड टू बी सी आर, देन इज द टाइम फॉर विच द करंट डिकेज टू 0.36% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलर वे में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर ओनली, मतलब एलसी सर्किट। इसमें भी क्या होगा, जब आपने की को ऑन किया कैपेसिटर सॉरी बैटरी ई के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा वो होगा क्यू अपॉन सी, इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी सॉरी एल डी आई अपॉन डी टी। तो आपकी जो इक्वेशन बनी नेगेटिव ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी बनेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो इक्वेशन आपकी जो बनी वो बनी यहाँ से ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस एल डी बाई डी टी एज इट इज़ रखा और आई की जगह डी क्यू अपॉन डी टी रखा। इस इक्वेशन में ये बन गया डी स्केयर क्यू अपॉन डी टी स्केयर प्लस एल को नीचे लेकर गए क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू ये वाला एल यहाँ भी नीचे आया ई अपॉन एल। इसी इक्वेशन में क्या किया, इस फैक्टर को पूरे को इधर लेकर गए तो आपको ये इक्वेशन मिली, और यहाँ पर ई सी का मतलब क्या है, मैक्सिमम चार्ज हमने रखा क्यू नॉट। अब फर्दर हमने इसमें क्या किया, फिर हमने यहाँ इसी की जगह रखा क्यू नॉट, और ये आपकी जो इक्वेशन बनी एक्चुअल में दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी आ गया,
और यहाँ इसको सॉल्व करने से म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको मिल गई फॉर ए LC सर्किट. मीन्स LC सर्किट इज ऑल्सो नोन एज एन ऑसिलेटिंग सर्किट. अब इसी में जब हम डिस्चार्जिंग इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कहा ड्यूरिंग डिस्चार्ज E की वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज़. I को आपने फिर से रखा डी के ओ अपॉन डी टी, इक्वेशन को बनाया क्वाड्रेटिक. यहाँ पर डी स्केयर के ओ अपॉन डी टी स्केयर की टर्म इक्वेशन बनी, इसको कंपेयर किया ओमेगा स्केयर के ओ से, तो यहाँ पे आपको फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगी. तो ये आपके तीन टॉपिक कंप्लीट हो गए, LR सर्किट, LC सर्किट एंड CL सर्किट.